लोग के साथ जो धोखा किए हैं, सिर्फ हमारे बीजेपी के साथ धोखा नहीं किए हैं, पूरे बिहार के जनादेश। विधानसभा के अंदर कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन फिर से महागठबंधन में हम नहीं लौटे। देश की जनता शोषित, कंचित, वंचित लोगों से उनका कोई नहीं। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विश्वासघात करने पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनादेश से विश्वासघात को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नवीन कुमार बन्नी ने की। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विश्वासघात करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए कहा कि बिहार में विकास की गंगा बहने वाले थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विश्वासघात करने पर बिहार के विकास की धारा को अवरोध किए। इसके लिए बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार की जनता कड़ा जवाब देगी। भाजपा के विरोध में चुनाव लेने पर 2 सीट मिली थी, अब 2024 के चुनाव में बिहार की जनता जवाब देगी। लगता है इस बार एक भी सीट अब खाता नहीं खुलने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा जमकर लगाए। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अरुण चौधरी, विजय सिंह, नवीन कुमार बन्नी, जिला प्रवक्ता कुमार श्रवण कुमार, विकास कुमार करना, सतीश कुमार उर्फ कन्हैया झा, संजीव विधान, पूर्व ओम प्रकाश पासवान, संजय चौधरी, चंदन, प्रवीण कुमार सहित इत्यादि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्वासघात करके सरकार में रह जाएंगे तो 2-3 महीना भी इसकी सरकार चलने वाली नहीं है। और रही बात 24-25 की, तो 24-25 में हमारे बिहार की जनता उनको वोट से समझा देगा कि किसकी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार का क्या होगा। वो अपना इंतजाम कर ले, बोरिया बिस्तर समेट ले, वो अपना इंतजाम कर ले, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार पलटी मार रहे हैं, कभी भाजपा कभी राजद, कभी भाजपा कभी राजद, इस तरह से जनता उनको समझ चुकी है। और इस तरह से 2024 में 2025 में उनको समझा भी देगी। फुल बहुमत में भाजपा आएगी और विकास का काम तो अभी हो ही रहा था, वो आप भी देख रहे थे किस तरह से सड़कों का जाल, पुलों का जाल, हमारे शहनवाज जी किस तरह से उद्योग ला रहे थे, लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको एक अवरुद्ध पैदा कर दिया सरकार बदल कर। और देखना ये है कि जो काम शहनवाज जी कर रहे थे वो आगे होगा या नहीं, ये भी देखना है। इससे पता चल जाएगा वो भ्रष्टाचार के साथ है या विकास के साथ है। विकास पुरुष तो वो है ही नहीं, वो विनाश पुरुष है। जो धोखा किए हैं, सिर्फ हमारे बीजेपी के साथ धोखा नहीं किए हैं, पूरे बिहार के जनादेश के साथ धोखा किए हैं। इसलिए आज हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं, ये हम लोग शांतिपूर्ण धरना है। हम लोग को जो है अपने शिष्टाचार में रहने वाले पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए हम लोग जो है उपद्रव नहीं करके हम लोग बैठ के जो है आपस में शांति से इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग घर घर जाके नीतीश कुमार के बारे में बताएंगे, वो किस तरह पलटी मारते हैं और किस तरह विश्वासघात करते हैं। हमारे साथ जिला प्रवक्ता श्रवण जी। जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में, एक उन्होंने स्वयं विधानसभा के अंदर कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन फिर से महागठबंधन में हम नहीं लौटेंगे। लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या नीतीश बाबू आप कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, किस मिट्टी में मिलकर महागठबंधन के साथ आप फिर से जाने का काम किया है? कुछ दिन के संगत के बाद ही वो मीडिया बंधु के सवाल पर कि आप 10 लाख का रोजगार कब दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है। कितना सुंदर बिहार का विकास डबल इंजन की सरकार के रूप में चल रही थी। 2017 में उनके हमारे साथ आने के बाद बिहार ने अनेक प्रगति के मायने पर बिहार खड़ा उतरा था, देश के अग्रणी राज्यों में से बिहार शामिल हो रहा था। हमारे तमाम मंत्री बिहार को सजाने संवारने में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिहार का विकास कहीं रास ना आया। वो फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी कहते थे हमारे ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा का दबाव था। मैं कहता हूँ हाँ, था दबाव। बिहार की जनता ने, देश की जनता ने डबल इंजन की सरकार आपको दी थी,
तो आपके ऊपर बिहार के जनता का विकास का दबाव था, भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विकास कार्यों का दबाव था, बिहार के तमाम भाजपा के मंत्रियों का दबाव था कि बिहार में विकास हो। आप विकास को झेल ना सके, आपकी उम्र हो चुकी है अब रिटायरमेंट की। नीतीश बाबू, आप रिटायरमेंट ही ले लेते तो बेहतर था, एक अच्छा खासा आपका राजनीतिक सफर अंत होता। लेकिन आपने जो यह बिहार के 13 करोड़ जनता के साथ धोखाधड़ी का कुकृत्य किया है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता आपको मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। पिछले बार भाजपा से अलग होकर आपने मात्र 2 सीट जीता था, इस बार आप शायद अपना खाता भी ना खोल सके नीतीश बाबू, इसकी भी चिंता कर लेंगे। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।